गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 19, है ना। अभी तक हम 18 भाग पढ़ चुके हैं, आज हम 19वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, है ना, जिसे हम रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये जो यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन है ना, ये आपकी पुस्तक में 13.6 में दिया हुआ है। पिछले भाग में भी हमने इसे थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछले भाग में देखा था, आज हम इसे और आगे देखेंगे, है ना। हम यादृच्छिक परीक्षणों और उनके प्रतिदर्श निर्माण के बारे में पहले ही सीख चुके हैं, है ना। ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था क्या, कि हम यादृच्छिक परीक्षणों और उनके प्रतिदर्श निर्माण के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। इन परीक्षणों में से अधिकतर में हम विशेष परिणाम के इच्छुक नहीं थे, किंतु इन परिणामों में संबंधित किसी संख्या में इच्छुक थे। क्या हम जो है वह यादृच्छिक परिणामों, है ना, परीक्षणों, है ना, जो रैंडम टेस्ट वगैरह होते थे, यादृच्छिक परीक्षण और उनके प्रतिदर्श निर्माण, है ना, इनके प्रतिदर्श निर्माण के बारे में पहले ही सीख चुके हैं, है ना। इन परीक्षणों में से जो अधिकतर है ना, अधिकतर में हम विशेष परिणाम इच्छुक नहीं थे, किंतु इन परिणामों से संबंधित किसी संख्या में इच्छुक थे, है ना। आइए कुछ परीक्षणों और उनके परिणामों पर विचार करें, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमने पिछले भाग में भी देखे थे, है ना। तो पहला पॉइंट, दो पासों को फेंकने की परीक्षण में हम दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं के योग में इच्छुक हो सकते हैं। क्या जब हम दो पासों को फेंकते हैं, है ना, तो दो पासों को जब हम देखते हैं और उनमें जो संख्याएं आती हैं, है ना, तो उन दोनों संख्याओं के योग में हम इच्छुक हो सकते हैं, है ना। दो पासों को फेंकने के परीक्षण में हम दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं के योग में इच्छुक हो सकते हैं, है ना। ऐसे पॉइंट नंबर टू क्या है, एक सिक्के को 50 बार उछालने में हमारी रुचि चितों की संख्या में हो सकती है ना। मान लो एक सिक्का है, सिक्के में हेड और टेल होते हैं, है ना, चित और पट होते हैं, है ना। उसे अगर हम 50 बार उछालें, है ना, एक एक करके ऐसे अगर हम 50 बार उछालें, उसमें हमारी रुचि किसमें हो सकती है, कि जैसे चित है ना, जैसे हेड आ रहा है ना, मान ली एक बार सिक्का उछाला और उसमें चित आ रहा, ऐसे हमने उसमें 50 बार सिक्का सिक्के को उछाला, तो उसमें कितने चित आएंगे, है ना, तो हम उनकी संख्या में रुचि रखते हैं। तो क्या एक सिक्के को 50 बार उछालने में हमारी रुचि चितों की संख्या में हो सकती है ना। तो ये था पॉइंट नंबर टू। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर थ्री, 20 वस्तुओं के एक ढेर से जिसमें 6 खराब है ना, अगर कोई 20 वस्तुओं का ढेर है जिसमें 6 खराब है और 4 वस्तुओं को एक के बाद एक निकालने के परीक्षण, है ना, 20 वस्तुओं का एक ढेर है जिसमें 6 खराब है और जो 4 वस्तुएं हैं उन्हें एक के बाद एक निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 वस्तुओं को एक के बाद एक निकालने के परीक्षण में जो हमारी रुचि है वह किसमें होगी, 4 वस्तुओं के प्रतिदर्श में खराब वस्तुओं की संख्या, है ना। जो 20 जो 4 वस्तु है जिन्हें हमने एक के बाद एक निकाला, उन वस्तुओं में से जो अगर हम इसे 4 का प्रतिदर्श लें, है ना, 4 के प्रतिदर्श में खराब वस्तुएं कितनी निकलेंगी, है ना, इन 4 में कितनी खराब होगी, है ना। तो निकालने के परीक्षण में हमारी रुचि 4 वस्तुओं के प्रतिदर्श में खराब वस्तुओं की संख्या में हो सकती है ना, ना कि खराब और ठीक वस्तुओं के किसी विशेष अनुक्रम में, है ना। तो हमारी रुचि किसमें हो सकती है, कि जो 4 वस्तुओं का प्रतिदर्श है इसमें खराब वस्तुओं की संख्या में हो सकती है, ना कि खराब और ठीक वस्तुओं के किसी विशेष अनुक्रम में, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स थे, है ना, कुछ परीक्षणों और उनके परिणामों पर विचार, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनसे हमने ध्यान दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, है ना, कि यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन मतलब रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। तो चलो हम इस आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त में से प्रत्येक परीक्षण में हमारे पास एक नियम है जो प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट करता है। क्या
उपयुक्त में से प्रत्येक परीक्षण है ना, जितने जो परीक्षण थे है ना, इनमें से प्रत्येक परीक्षण में हमारे पास एक नियम है। क्या है हमारे पास? एक रूल या फिर नियम है जो प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट करता है ना, जो कि क्या, प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट करता है ना। अभी हमने जितने भी प्रत्येक परीक्षण करे है ना, उन सब के लिए हमारे पास एक नियम है जो प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट करता है ना। परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के लिए यह वास्तविक संख्या अलग अलग भी हो सकती है ना। परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के लिए यह जो वास्तविक संख्या है वो अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए यह एक चर है। इसलिए क्या है? एक चर है। साथ ही इसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है ना। साथ ही क्या, जो इसका मान है वह किसी भी यादृच्छिक है ना, किसी यादृच्छिक परीक्षण है ना, तो रेंडमली हम परीक्षण करते हैं है ना, यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों उनके रिजल्ट्स पर भी निर्भर करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर कहते हैं। एक यादृच्छिक चर को सामान्यतः एक्स से व्यक्त करते हैं है ना, एक यादृच्छिक चर को हम किससे, सामान्यतः एक्स से व्यक्त या फिर दर्शाते हैं ना। तो क्या, उपयुक्त में से प्रत्येक परीक्षण में हमारे पास एक नियम है जो प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट करता है ना, और परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के लिए यह वास्तविक संख्या अलग अलग भी हो सकती है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं है ना। साथ ही इसका मान किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसे यादृच्छिक चर कहते हैं। और एक यादृच्छिक चर को हम सामान्यतः एक्स से व्यक्त करते हैं है ना, किससे करते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं। चलो फिर इतना समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक फलन की परिभाषा का स्मरण कीजिए तो पाएंगे कि वास्तव में एक यादृच्छिक चर एक्स फलन होता है ना। यदि हम एक फलन की परिभाषा को है ना, फंक्शंस होते हैं फलन है ना, यदि आप एक फलन की परिभाषा का स्मरण करें है ना, उसकी अगर हम डेफिनेशन या फिर परिभाषा का स्मरण करें तो हमें पता चलेगा है ना, पाएंगे कि वास्तव में एक यादृच्छिक चर एक्स फलन होता है ना। तो एक यादृच्छिक चर क्या होता है, एक एक्स फलन या फिर फंक्शन होता है जिसका प्रांत है ना, जिसका जो डोमेन या फिर प्रांत है यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय या प्रतिदर्श समिष्ट होता है ना। क्या अगर हम फलन की परिभाषा देखें तो हम पाएंगे कि जो एक यादृच्छिक है ना, यादृच्छिक चर है वह एक्स फलन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका जो प्रांत या फिर डोमेन है यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय या प्रतिदर्श समष्टि होता है ना। एक यादृच्छिक चर कोई भी वास्तविक मान ले सकता है ना, जो एक जो यादृच्छिक चर है वह कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, इसलिए इसका सहप्रांत जिसे हम कोडोमेन बोलते हैं वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। अतः एक यादृच्छिक चर को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं जिसे हम अब आगे पढ़ेंगे है ना। तो क्या पढ़ा हमने, अगर हम फलन की परिभाषा या फिर डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलेगा है ना, हम पाएंगे कि वास्तव में एक यादृच्छिक चर एक एक्स फलन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन या फिर फलन होता है जिसका, और फंक्शन का अगर आपको पता है तो फंक्शन में हमारे पास प्रांत और सहप्रांत होते हैं जिसे हम डोमेन और कोडोमेन बोलते हैं है ना, जिसके हम है ना डोमेन और कोडोमेन है ना, जिसे हम रेखा से मैप करते हैं है ना। तो जिसका प्रांत डोमेन क्या होता है, यादृच्छिक चर का यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय या प्रतिदर्श समष्ट होता है ना। और एक यादृच्छिक चर कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, इसलिए इसका सहप्रांत कोडोमेन है ना, सहप्रांत या फिर कोडोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, अतः एक यादृच्छिक चर को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा चार है ना, एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्ट होता है। क्या, एक जो यादृच्छिक चर है वह फलन होता है ना, देखो फंक्शन है फलन तो है, यहाँ एक परिभाषा में भी बोल रहे हैं कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है, वह फंक्शन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्ट होता है ना, जिसका प्रांत या फिर कोडोमेन किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट होता है। क्या होता है, प्रतिदर्श समिष्ट होता है। जैसे हम अगर उदाहरण लें, उदाहरण के लिए
आइए एक सिक्के को दो बार अनुक्रम में उछाले जाने के परीक्षण पे विचार कीजिए, है ना। देखो अभी तक हमें क्या पता चला, एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, वह किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर समिष्ट होता है ना। और अगर हम उदाहरण लें कि एक सिक्के को हम दो बार अनुक्रम में, है ना, एक सिक्का है उसे हम दो बार अनुक्रम में उछालते हैं, है ना, तो उसके परीक्षण में हमें क्या पता चलेगा कि इसी परीक्षण में प्रतिदर समिष्ट क्या है, इसका प्रतिदर्श क्या होगा, है ना। मान लीजिए एक सिक्का है जिसे हमने दो बार उछाला, ठीक है, तो पहली बार अगर हम सिक्का उछालें तो उसमें क्या आ सकता है, हेड या टेल, मतलब चित या पट आ सकता है ना। अगर हम उसे दूसरी बार उछालेंगे तब भी चित या पट आ सकता है। तो देखिए अगर पहली बार उछाला है ना और क्या है, चित आया, है ना, तो चित आया और चित आने पर हमने दूसरी बार उछाला तो फिर से चित या पट आ सकता है ना। तो पहला प्रतिदर्श में क्या हुआ, एच एस और एस टी हो गए, है ना। अगर पहली बार जो हमने सिक्का उछाला उसमें चित नहीं पट आया, है ना, मतलब टी टेल्स आया, है ना, पट आया या फिर टेल आया, और हमने उसके बाद फिर से एक सिक्का उछाला उसमें क्या आ सकता है, उसमें भी प्रायिकता है कि हेड और टेल आ सकता है ना। तो हमारा प्रतिदर्श क्या हो जाएगा, एच 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 टी टी एच और टी टी, मतलब हेड हेड या फिर चित चित, एस टी या फिर चित पट, टी एच पट चित या फिर टी टी या फिर पट पट, है ना। तो क्या हो सकता है हमारा प्रतिदर्श जिसे हम एस से निरूपित कर रहे हैं, एच 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 टी टी एस टी टी, है ना, हेड हेड या फिर चित चित, हेड टेल या फिर चित पट, टी एच या फिर टेल टी एच, है ना, टेल हेड या फिर पट चित, और टी टी टेल टेल या फिर पट पट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्श समझ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, यदि x प्राप्त चिन्हों की संख्या को व्यक्त करता है तो x का यादृच्छिक चर है और प्रत्येक परिणाम के लिए इसका मान निम्न प्रकार से दिया गया है ना। ये क्या बोल रहा है, यदि जो x है वह प्राप्त चिन्हों की संख्या को व्यक्त करता है, क्या करता है, प्राप्त चिन्हों की संख्या को, है ना, इसमें अगर आप प्रतिदर्श देखो तो कितनी बार चित आ रहा है इसकी संख्या को निरूपित या फिर दर्शाता है ना। तो यदि x प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है तो x क्या है, एक यादृच्छिक चर है, x क्या है, एक यादृच्छिक चर है, और प्रत्येक परिणाम के लिए इसका मान निम्न प्रकार से दिया गया है ना। और प्रत्येक परिणाम के लिए जो इसका मान है वह इस प्रकार से दिया जाएगा, है ना। तो ये x क्या होगा, यादृच्छिक चर, है ना, एक्स एच एच क्या होगा, है ना, अगर आप एक्स एच एच को देखें तो इसमें दो बार है, मतलब दो बार चित आ रहा है ना, एक्स एच एच कितना हो जाएगा, दो, क्यों, क्योंकि एच एच में दो बार चित आ रहा है, और एक्स क्या था, प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है, तो जो एक्स है वह क्या है, प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त करता है, तो एक्स एच एच क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच एच में दो बार है या फिर दो बार चित है, ठीक है। ऐसी एक्स एच टी क्या क्या होगा, एक होगा, क्यों, एस टी अगर आप देखो तो चित या पट, है ना, जिसे हम हेड टेल बोलते हैं, है ना, चित और पट है जिसमें एक बार हेड या फिर चित आ रहा है ना, एच में एक ही एच है ना, एच टी में तो हमारे पास एक ही चित आ रहा है, और एक्स क्या निरूपित करता है, प्राप्त चितों की संख्या, तो एच टी में प्राप्त चित कितने हैं, एक है ना, तो एक्स एच एच आया दो और एक्स एच टी आया एक, ऐसे ही एक्स टी एच क्या आएगा, है ना, एक्स टी एच, है ना, टी एच में भी कितने हैं, एक हेड या एक चित है ना, और हम चितों की संख्या, एक्स क्या है, चितों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो एक्स टी एच भी क्या होगा, एक होगा, क्योंकि इसमें एक है या फिर एक चित है। ऐसे ही एक्स टी टी, है ना, एक्स टी टी, एक्स क्या है, प्राप्त चितों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो टी टी अगर आप देखो तो इसमें दो पट है, चित एक भी नहीं है ना, दो बार टेल हेड या फिर चित एक भी नहीं है, तो इसमें एक्स टी टी कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हेड या फिर चित नहीं है ना। तो हमने क्या निकाला, एक्स एच एच दो आया क्योंकि इसमें दो चित थे, एक्स एच टी एक आया क्योंकि इसमें एक चित था, एक्स टी एच भी एक आया क्योंकि इसमें एक चित था, वैसे ही एक्स टी टी क्या आया, शून्य आया क्योंकि इसमें एक भी चित नहीं था, है ना, इतना समझ आ गया पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर एक से अधिक यादृच्छिक चर परिभाषित किए जा सकते हैं, है ना, क्या, एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर, मतलब एक ही, है ना, एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर, है ना, जैसे अभी ऐसे ऐसे, है ना, एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर एक से अधिक यादृच्छिक चर परिभाषित किए जा सकते हैं। यादृच्छिक चर क्या है, एक फलन है ना, तो एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर एक से अधिक यादृच्छिक चर परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें, है ना, उदाहरण के लिए हम मान लें कि वाई प्रतिदर्श समष्टि एस के प्रत्येक परिणाम के लिए चितों की संख्या से पटों की संख्या के घटाव को व्यक्त करता है, क्या, अगर हम उदाहरण के लिए क्या लें कि y जो है ना, y जो है
उसे हम यदि चर बोल रहे हैं, है ना। जो वाई प्रतिदर्श समिश एस के, है ना, समिश एस क्या है, ये यही है प्रतिदर्श हमारा एस, HH ST TSR TT, हम इसी प्रतिदर्श को लेंगे, है ना। तो प्रतिदर्श समिष्ट S के प्रत्येक परिणाम के लिए चितों की संख्या से पटों की संख्या के घटाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे X क्या निरूपित कर रहा था, X निरूपित कर रहा था चितों की संख्या को, है ना। और यहाँ पे Y क्या निरूपित कर रहा है, Y निरूपित कर रहा है कि जो S के प्रत्येक परिणाम के लिए चितों की संख्या में से पटों की संख्या के घटाव से, है ना, चित माइनस पट, है ना, ये यहाँ पे वाई, है ना, वाई निरूपित कर रहा है ना। तो अगर आप वाई एच एच देखोगे, है ना, वाई एच एच मतलब कि उसमें चितों की संख्या में से पटों की संख्या, है ना। तो अगर आप देखो एच एच है मतलब दो हेड, मतलब दो चित है और उसमें पट एक भी नहीं है ना। अगर पट एक भी नहीं है और वाई किसे निरूपित कर रहा है, चितों की संख्या में से पटों की संख्या के घटाव को, है ना। चितों की संख्या है दो, दो हेड या फिर दो चित है तो दो, और पटों की संख्या है ना, पट इसमें एक भी नहीं, तो वाई एच एच कितना होगा, दो माइनस शून्य, है ना, तो क्या होगा, दो। तो यहाँ पे वाई एच एच क्या है, दो आया। ऐसे ही वाई एस टी, है ना, वाई एस टी अगर आप देखो तो इसमें एक चित है और एक पट है ना, एक हेड और एक टेल है ना। और एस के परिणाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाई की से निरूपित कर रहा है पटों की, चितों की संख्या में से पटों की संख्या के घटाव, है ना। तो उसमें चित एक है और पट भी एक है ना, तो एक हेड और एक टेल है, मतलब एक चित और एक पट, है ना, तो एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा, शून्य आएगा। ऐसे ही इसलिए वाई एस टी क्या है, शून्य आया। ऐसे ही हम वाई टी एच भी निकालेंगे, वाई टी एच को भी अगर आप गौर से देखें तो इसके पास भी एक पट और एक चित है ना, एक टेल और एक हेड है, मतलब एक पट और एक चित, है ना। तो हम एक चित में से एक पट घटाएंगे, है ना, एक में से एक घटेगा तो ये भी शून्य आएगा, है ना। तो वाई एच एच कितना आया, दो आया, वाई एच टी शून्य आया, वाई टी एच भी शून्य आया, है ना। अब हम टी टी, है ना, वाई टी टी निकालेंगे, है ना। तो अगर आप वाई टी टी देखो तो टी टी में दो टेल या फिर दो पट है, इसमें चित एक भी नहीं है, है ना, एच 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 एक भी नहीं है, टी कितने हैं, दो है, मतलब दो पट है लेकिन जो एच या फिर चित है वह शून्य है ना। और वाई कैसे निरूपित करता है, चितों की संख्या में से पटों की संख्या के घटाव को, है ना। तो चित कितने हैं, शून्य, और पट कितने हैं, दो, तो कितना आया, जीरो माइनस दो मतलब माइनस दो, है ना। इस प्रकार से वाई एच एच आया दो, वाई एस टी आया शून्य, वाई टी एच आया शून्य और वाई टी टी आया माइनस दो, है ना। अतः एक प्रतिदर्श समिश्ट एस में एक्स और वाई दो भिन्न यदिच्छा चर परिभाषित किए गए हैं, है ना। हमने क्या किया, एक ही प्रतिदर्श समिश्ट जो कि एस है ना, जिसमें एच एच एस टी टी एच और टी टी है, इसी में हमने, है ना, एक प्रतिदर्श समिश्ट में एक्स और वाई दो भिन्न यदिच्छा चर परिभाषित किए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक समझ आ गया ना कि हमने कैसे यादृच्छा चर और इसके प्रायिकता बंटन पे चर्चा की, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने क्या, यादृच्छा चर चर और इसके प्रायिकता बंटन, है ना, जिसे हम रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इस पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6 में दी हुई है, है ना। बाकी अगले भाग में हम, है ना, ये अभी यहाँ खत्म हो चुका, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 23 और 24 पर चर्चा करेंगे, है ना। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।